तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आपका लाइफ में ऐसे ही कलरफुल होती रही या कलर आते रहे। तो आगे के आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों बहुत ही कमाल का और सैमसंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बताने वाला हूं, जो कि आपको वन यू 6.0 में भी मिलेगा, 6.1 में भी मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। डेली लाइफ के लिए तो नहीं, बट कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फीचर। अगर आपके मोबाइल में डेटा रहता है और आपको उसको सिक्योरिटी की टेंशन रहती है तो ये फीचर डेफिनेटली बहुत काम आएगा आपके। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि किसी नई अपडेट यार सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का सैमसंग गैलेक्सी का फीचर बताने वाला हूँ, जो कि है मेंटेनेंस मोड। दोस्तों होता क्या है, आपका या किसी का भी हो, एक आधा दिन मोबाइल खराब तो होता ही है, बट हम उसको रिपेयरिंग के लिए कहीं किसी भी शॉप पे दे देते हैं और या फिर बोल सकते हैं कंपनी के सर्विस सेंटर पे भी दे देते हैं। बट वहाँ पर क्या रहता है, उनके पास हमारा पूरा मोबाइल एक्सेस रहता है और पूरे मोबाइल को वो चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट आपको नोइंग या विदाउट आपके परमिशन। तो उसी के लिए एक कमाल का फीचर मिलता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी में, बट आपको उसको ऑन करना पड़ता है और बहुत ही शानदार फीचर है। उसको ऑन करने के लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर स्वाइप करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है डिवाइस केयर का ऑप्शन। आपको डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे जाना है। डिवाइस केयर के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे ना, आपको एक ऑप्शन मिलता है मेंटेनेंस मोड करके। तो ये बहुत ही शानदार फीचर है। अब ये फीचर काम क्या करता है, मेंटेनेंस मोड प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी व्हाइल समवन एल्स यूजिंग योर फोन सच एज व्हेन यू आर सेंडिंग फॉर रिपेयरिंग। मतलब कि अगर आपने किसी को मोबाइल दे रखा है या रिपेयरिंग के लिए, तो आपका मोबाइल को यूज कर रहा है तो उसको आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करता है। ओनली प्री इंस्टॉल एप्स आर अवेलेबल। जब भी आप मेंटेनेंस मोड को ऑन करेंगे तो सिर्फ प्री इंस्टॉल ऐप ही रहती है और उसमें कोई भी डेटा आपका नहीं दिखता, ना कोई आपकी लॉगिन आईडी वाईडी भी दिखती है। तो उसको कैसे ऑन करते हैं, इसको कैसे ऑन करना है सब मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको पहले तो आपको कर लेना है, इसको आपको करने के लिए करना क्या है, टर्न ऑन पे क्लिक करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करने के बाद एक बहुत सारी परमिशन पूछेगा, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन उसको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। रिस्टार्ट होने में ये 2 से 4 मिनट लेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दिस नॉर्मली टेक अराउंड 2 मिनट आफ्टर द लॉग इज क्रिएटेड। योर फोन विल बी रिस्टार्ट इन मेंटेनेंस मोड एंड यू कैन सेफली हैंड ओवर योर फोन टू मेंटेनेंस। बस आपने इसको ऑन करके किसी को भी अपना मोबाइल दे देना है। अब जब तक वो मतलब अगर जब ये रिस्टार्ट होगा ना, उसके बाद ना आपके मोबाइल में कोई गैलरी दिखेगी, ना आपके मोबाइल में फोन लॉक जो भी लगा होगा सब हट जाएगा, ना ही आपके मोबाइल का कोई भी डेटा वो एक्सेस कर पाएगा, ना कोई लॉगिन आईडी एक्सेस कर पाएगा। इसको एक बार होने देते हैं ऑन। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ रहा है, जब भी आप रिस्टार्ट होगा स्विचिंग टू मेंटेनेंस मोड। बट इसको ऑन होने के लिए 5 मिनट लगे और मोबाइल ऑफ हो गया था, तो उसको आप प्रेस नहीं करना, वेट करना है, वह ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट होगा। तो आपको वेट कर लेना है पूरी तरीके से। अब ये मेरा वो फोन हो चुका है ऑन, मेरे सारे पासवर्ड यहाँ से हट चुके हैं, सारी एप्स मेरी अनइंस्टॉल हो चुकी होगी और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है दिस इज अ मेंटेनेंस मोड, आपको यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है। तो ये आपको सब यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं सब यहाँ पर दिख रहा है। जिसको डिवाइस आप रिपेयरिंग करने को देंगे वो रिपेयरिंग कर सकता है और इसको कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाया। गैलरी में जाएंगे तो गैलरी पूरी खाली है, प्ले स्टोर में जाएंगे तो आईडी लॉगिन नहीं है, कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि ये ब्लैंक आपको दिख रहा है। तो अब इसको कोई भी कोई डेटा कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। अब बात आती है कि अब इसको ऑफ कैसे करें। जब भी आपने किसी को दिया और वहां से रिपेयरिंग होने के बाद आपको वापस अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है अपने नॉर्मल मोड पे, तो सिंपली आपको स्वैप करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के लिए बोल रहा है योर फोन नीड टू रिस्टार्ट टू एग्जिट मेंटेनेंस मोड, आपको रिस्टार्ट पे क्लिक करना है। रिस्टार्ट क्लिक करने के बाद आपकी फिंगरप्रिंट फेस या आपका पासवर्ड मांगेगा, जिसको पता होगा उसी के थ्रू ये अनलॉक होगा, वापस वो टाइम लेगा एंड देन रिस्टार्ट होके आपका मोबाइल नॉर्मल मोड पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये है कमाल का मेंटेनेंस मोड फीचर। फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों के लिए यूज नहीं होगा, बट आप बोलोगे यार वीडियो क्यों बनाई, वीडियो इसलिए बनाई है भाई कभी ना कभी आपको भी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आपको जरूरत पड़े कहीं रिपेयरिंग दे या कहीं भी जाए, अगर इनकेस जरूरत पड़ती है तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा कोई कुछ भी कर सकता है। तो इस वीडियो को सेव कर लेना, उस टाइम देने से पहले मेंटेनेंस मोड को जरूर ऑन कर लेना, नहीं तो भैया आपका डेटा का कुछ भी हो सकता है।
तो फाइनली अभी हो चुका है पूरी तरीके से रिस्टार्ट, और मेरा सारा डेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सब वापस आ गया है, प्रोफाइल वोफाइल पिक सब मेरी चीज़ यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में मेंटेनेंस मोड और नॉर्मल मोड का यूज़ कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। तो थैंक यू।